नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जो ये रेड कलर दिख रहा है तो इसे ऐसे पुश कर देंगे। पुश करने के बाद बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है आप उसको दोबारा ऐसे पुश कर देंगे तो इस तरह के निशान बन जाएगा, तो आपको हमारा चैनल हमारा क्या होगा सब्सक्राइब हो जाएगा। और जो हमारे अगर पूरे वीडियो देखना है तो आपको बगल में जो मेरी पिक दिख रही है उसमें ऐसे पुश कर देंगे, तो पुश करने के बाद जस्ट हमारा ये हमारा आ जाएगा और ये हमारा बना हुआ है वीडियोज। तो आप जितने भी मेरे सारे वीडियो हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो टॉपिक आपको देखना है तुरंत टॉपिक में चले जाइए, क्योंकि मैंने मैथ और टेक्निकल एंड जितने भी GS के हैं और हिंदी की भी मैंने डाल रखा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल देव जी की ट्रिक में। तो दोस्तों जैसा कि मेरा टॉपिक चल रहा था विश्व के महाद्वीप, मैंने विश्व के महाद्वीप का हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे दूसरा वीडियो को भी देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने तीन इसमें से जो होते हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, मैं इनके पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो में है, इन्हें अपलोड कर चुका हूँ और ये तीनों हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप अगर महाद्वीप पढ़ रहे हैं तो हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, भाग एक। तो आगे चलते हैं हमारा दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका हमारा जो हमारा है तो इसके बारे में हम देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका हमारा आकार कैसा है, इसी साम्य है, ठीक है। महाद्वीप में हमारा इस प्रकार बना हुआ है दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें दक्षिण अमेरिका में इसमें देशों की संख्या कितनी है। देशों की संख्या हमारी कितनी है, 15 देश हैं इसमें से। देश हमारे जो दक्षिण अमेरिका में हैं तो इसमें देश हमारे हैं 15। इसके बाद हमारी क्या लिखा है, सबसे लंबी नदी, मतलब दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है, अमेजन नदी है। जो अमेजन नदी है हमारी यहाँ से निकलती है और ऐसे हुई है अमेजन, ये अमेजन का मुहाना है और यहाँ पर आके गिरती है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें से सबसे बड़ा देश, जो सबसे बड़ा देश आपको दिख रहा होगा ये पीला वाला लिखा है ब्राज़ील। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से हमारी दो रेखाएं, एक ही यही देश है जहाँ से दो रेखाएँ गुजरती हैं। आगे चलते हैं हमारा दोस्तों, अगला हमारा इसमें है सबसे बड़ा देश, इसके बाद हमारा है उच्चतम बिंदु। जो उच्चतम बिंदु है हमारा अर्जेंटीना के बॉडी में, हमारा ये चिली है और अर्जेंटीना है, इनके बीच में हमारा बॉर्डर पर सीमा बनाता है हमारा ओजोस डेल सलादो, जो हमारा क्या है ज्वालामुखी है। इसके बाद न्यूनतम बिंदु है वाल्स पेनी ने हमारा। इसके बाद हमारी सबसे बड़ी झील, जो सबसे बड़ी झील है हमारा टिटकाका झील है। जो टिटकाका झील है हमारी तो ये हमारी है, ये बोलीविया और ये हमारा लापाज है, मतलब इनके बीच में हमारी स्थित है टिटकाका झील, ये लिखा है टिटकाका झील, ठीक है। पेरू और बोलीविया के हमारे बीचों बीच हमारा ये जो जगह दिख रही है ये हमारी टिटकाका झील है, जो हमारी विश्व की सबसे ऊंची झील भी है। नौकायान झील हमारी टिटकाका झील है, विश्व की सबसे ज़्यादा ऊँची झील है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगला हमारा है सबसे बड़ा द्वीप, और सबसे बड़ा द्वीप हमारा है टियरा डेल फ्यूजरो हमारा द्वीप है। आगे हमारा इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर हमारा रियो डी जनेरियो है, जो ब्राज़ील में पड़ता है। रियो डी जनेरियो में 2016 में हमारे ओलंपिक हुए थे और इसको विश्व धरोहर की सूची में भी 2016 में शामिल कर लिया जाता है। तो इसमें से ब्राज़ील हमारा ये है, तो ब्राज़ील में ये हमारा सबसे बड़ा नगर है और सबसे बड़ा इस देश का, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश भी है। अगला इसमें है ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से दो रेखाएं जाती हैं, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जाती हैं। इसमें देखना मकर रेखा है और भूमध्य रेखा है, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की दो बराबर भागों में डिवाइडेड करने वाली भूमध्य रेखा होती है और मकर रेखा हमारी होती है 23.5 अंश, जो दक्षिणी अक्षांश में होती है, मकर रेखा हो गई है, ठीक है। आगे हमारा अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ये हमारा क्या है अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना में हमारे घास के मैदान पाए जाते हैं, तो हमने इसकी ट्रिक, घास की जो ट्रिकें हैं तो हम बहुत आसानी से हमने सिखाया है, एक वीडियो डाल दिया है, तो आप घास के मैदान को देख लेना कि अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है इनको इस अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील आपने अभी तो देख ही लिया था। इसके बाद कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश ब्राज़ील में कहवा के बागों को फिजेंडा कहा जाता है। जो वहाँ पर ब्राज़ील में कहवा के बाग होते हैं उन्हें फिजेंडा कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत है। इसमें से हमारी जो लंबी पर्वत श्रृंखला है हमारी ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से होते हुए ये ऊपर तक हमारी इंडीज पर्वत की श्रृंखला ही दिखाई दे रही है, ठीक है। इसी इंडीज पर्वत है हमारी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है।
इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है सर्वाधिक नगरीकरण देश उरुग्वे है। अब मैप में हमारा सर्वाधिक नगरी उरुग्वे हमारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है, ये सर्वाधिक नगरीकृत है, यहाँ पर नगरीकृत हमारा ये उरुग्वे है। इसके बाद हमारा है दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली, जहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है, तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ मध्य चिली मतलब जो चिली हमारा देखो लंबा लंबा ये बसा हुआ है, तो इसके मध्य में क्या होती है, यहाँ पर सर्दियों में भी क्या होती है, जाड़ों में भी क्या होती है, वर्षा होती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे जैसे दोस्तों है कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा झरना भी यहीं पर स्थित है, एंजिल प्रपात वेनेजुएला में है, ठीक है, एंजिल प्रपात है हमारा, इसी में हमारा क्या है विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, कौन सा झरना है हमारा है वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला हमारा एंजिल प्रपात है जो कहाँ पर स्थित है वेनेजुएला में, ठीक है, एंजिल प्रपात है वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर हमारी झील तो देख ली थी, टिटकाका झील है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका का मक्का उत्पादित करने वाला देश, दक्षिण अमेरिका का मक्का उत्पादित करने वाला देश हमारा कौन सा है, अर्जेंटीना है, मक्का उत्पादित हमारा अर्जेंटीना करता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तेल उत्पादक देश हमारा वेनेजुएला है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक तेल उत्पादक जो करता है हमारा कौन सा करता है वेनेजुएला है, और यहाँ पर हमारा विश्व का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार भी है। दक्षिण अमेरिका का तांबा उत्पादक देश हमारा चिली है, जो सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन किया जाता है हमारा ये हमारा कौन सा है चिली है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ब्राजील की कहवा के बागों को क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं, क्वेश्चन हमारा होता है कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं, तो हमारे जो अभी पंपास घास के मैदान हमने पढ़ा था तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद विश्व में कहवा का पात्र जो कौन सा देश कहलाता है, विश्व में कहवा का पात्र हमारा कौन कहता है, ब्राजील कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है कि दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा होता है, जो दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ेगा तो कौन सा देश पड़ेगा, जो किनारे पड़ता है, और किनारे हमारा जो हमारा ये है पेरू, ठीक है, तो ये पेरू हमारा है, ये दिख रहा है, ये हमारा सर्वाधिक मछली पकड़ता है, ठीक है। इसके बाद विश्व का सबसे मांस निर्यातक देश हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक मांस निर्यातक देश कौन करता है, तो ये हमारा अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना सर्वाधिक मांस का हमारा क्या करता है, निर्यात करता है, ठीक है। इसके बाद ब्राजील का एक बंदरगाह है सेंटोस बंदरगाह, जिसे काफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो हमारे 5वें नंबर का पड़ता है। ये देशों की संख्या हमारी यहाँ पर क्या होते हैं कि देश हमारे नहीं है, क्योंकि हमारा जो हमारा ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है। ये हमारा क्या होता है, सर्दियों में जब क्या होता है सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पर बर्फ की भारी हमारी मोटाई बढ़ जाती है, कम से कम 10 से 15 किलोमीटर की बर्फ इसमें जम जाती है, इस कारण यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं और देश नहीं है, एक ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बहुत जैसी चीज़ें हैं उसको हम समझा रहे हैं, आप मैप में देख लो कि मैप में है कहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हमारा देशों की संख्या जो हमारी है तो पता नहीं है आपको, सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है, ओनेक्स है। इसके बाद उच्चतम बिंदु हमारा इसका कौन सा है, वर्ग के प्राणी नहीं पाए जाते हैं, आपको दिखाया यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, इस कारण यहाँ पर सरीसृप वर्ग के प्राणी नहीं पाए जाते हैं। अगला यह पॉइंट हमारा माउंट इरेबस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है, पूछा जाता है कि सक्रिय ज्वालामुखी में अंटार्कटिका में कौन सा है, तो माउंट इरेबस है, जो हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाता है। अंटार्कटिका की प्यासी भूमि पर पहला कदम रखने वाला जो कौन था, ए जी पुल था हमारा था अंटार्कटिका की भूमि पर रखने वाला पहला कदम, ठीक है। अगला हमारा है इसका 98% भाग हमेशा 2 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका रहता है, तो सोचो सर्दियों में कितनी मोटी ढकी रहती होगी, ठीक है। अगला अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, अंटार्कटिका क्योंकि बर्फ रहती है इसलिए श्वेत महाद्वीप कहते हैं। इस महाद्वीप को गतिशील या चल महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमेशा बर्फ रहती है, कभी देखो तो मोटी बर्फ होती है कभी पतली, तो इसलिए लगता है कि ये चल महाद्वीप है, ठीक है। अगला संसार का सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया था, अंटार्कटिका के वोस्टाक में रिकॉर्ड किया गया था -95°C। यहाँ की क्रील मछली झुंडों में निवास करती है, यहाँ पर एक मछली पाई जाती है, कौन सी मछली पाई जाती है, क्रील मछली पाई जाती है जो झुंडों में निवास करती है। यहाँ पर हमारे भारत के कुछ शोध संस्थान हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, एक शोध संस्थान हमारे दक्षिणी गंगोत्री हो गए, मैत्री और भारती, ये तीन हमारे शोध संस्थान हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में, भारत के हमारे शोध संस्थान हैं, ठीक है। और एक हिमाद्री है हमारा, वो हिमाद्री हमारा कहाँ पर है, वो आर्कटिक महासागर में है। आगे देखते हैं हमारा अगला हमारा है 6 में हमारा यूरोप, ठीक है, 6 नंबर में यूरोप आता है। ये हमारा देशों की संख्या हमारी कितनी है, 50 है, इसमें सबसे लंबी जो हमारी है ये हमारी कौन सी है, वोल्गा। इसमें मैप में देखिए, मैप में हमारा ये दिख रहा होगा
ये हमारा यूरोप महाद्वीप है, ठीक है। हमने बताया था कि यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ये एशिया हो जाता है, ये यूरोप होती है, और दोनों जुड़े होते हैं, निकलते हैं यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी सबसे लंबी नदी यहाँ से निकलती है, वोल्गा नदी है, व्लाडिवास्टक के पठार से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में जाके गिर जाती है। आगे इसमें से क्वेश्चन है, सबसे बड़ा देश क्या है? तो सबसे बड़ा देश हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ये जो हमारा ये देश है हमारा रूस है। हमने बताया कि इसका भी रूस हमारा एशिया का भी रूस ही होगा। अगला हमारा सबसे छोटा देश हमारा वेटिकन सिटी है, ठीक है। सबसे छोटा देश हमारा वेटिकन सिटी है। उच्चतम बिंदु है माउंट एल्ब्रुस है, ठीक है, ये पर्वत है उसका उच्चतम बिंदु है माउंट एल्ब्रुस। न्यूनतम जो बिंदु है हमारा कैस्पियन सागर, अभी हमने बताया था कि हमारा कैस्पियन सागर कहाँ पर है, तो कैस्पियन सागर हमारा ये दिख रहा है, ये कैस्पियन सागर है, ये हमारा कैसा है, न्यूनतम बिंदु है। आगे इसमें यूरोप की महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है, ठीक है। यूरोप की महत्वपूर्ण नदी कौन विश्व सी का है? सर्वाधिक अंगूर जैतून उत्पादक देश है। मैप में हमारा जो इटली है तो वो हमारे इटली ये है, जूते के आकार में है, ठीक है। पूछा जाता है कौन सा आकार है जो हम लोग जूते के आकार में होते हैं, जो कुरुम के जूते होते हैं, तो आकार में हमारा इटली है। इटली अभी चर्चे में था, जो क्योंकि विराट कोहली की शादी हुई थी यहाँ पर, इसलिए ये हमारा चर्चे में था, ठीक है। आगे देखते हैं, इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर तथा जैतून उत्पादक देश कहा जाता है। अगला, स्विट्जरलैंड सुंदर घड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, प्रसिद्ध है। स्विट्जरलैंड जो है सुंदर घड़ियां बनाता है। यूरोप तीन ओर से सागर से घिरा हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये हमारा यूरोप, ठीक है, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर, और ये सागर इधर चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं, यूरोप तीन ओर से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप का महाद्वीप कहते हैं। अगला इसमें से, नॉर्वे को मध्य रात को सूर्य का देश कहा जाता है, मतलब इसमें हमारा जो सूर्य रहता है रात तक दिखाई दे रहता है। अगला हमारा होता है, देखते हैं सातवां हमारा देशों के लास्ट हमारे है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमारा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर पड़ता है मैप में? ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ये सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया और छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर हमारा ये देश हमारा महाद्वीप बना हुआ है। इसमें देशों की संख्या हमारी 22 है। यहाँ की सबसे लंबी जो हमारी लिखे है डार्लिंग मल्ले मनरे डार्लिंग, इस यहाँ की सबसे लंबी मर्रे डार्लिंग है। बड़ा देश हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। मैंने बताया कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया पूरा पूरा ऑस्ट्रेलिया है, छोटे छोटे देश हमारे चारों तरफ है, तो सबसे बड़ा हमारा ऑस्ट्रेलिया है। द्वीप भी है मगर ऑस्ट्रेलिया देश भी सबसे बड़ा है। सबसे छोटा देश हमारा कौन है? नौरू है। उच्चतम बिंदु हमारा इसका है माउंट कोस्यूस्को, उच्चतम बिंदु हमारा माउंट कोस्यूस्को है। न्यूनतम बिंदु हमारा क्या है? अयर झील। यह अयर झील हमारी यहाँ पड़ती है, ये यहाँ पर अयर झील है, अयर झील हमारी है, ये इस महाद्वीप की हमारी सबसे हमारी विश्व की सबसे प्रदूषित झील हमारी कौन है? अयर झील है। मकर रेखा इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर जाती है। इस जो मकर रेखा जाती है हमारी, ये हमारी 23.5 अंश, ये हमारी ये 30 है, तो लगभग मध्य से होकर हमारी जाती है मकर रेखा, लगभग मध्य से होकर जाती है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। तो इस तरह से दोस्तों देखा कि हमारे पूरे महाद्वीप हमारे कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से नए अपडेट के लिए और हर प्रकार के करेंट अफेयर के लिए आप, अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के हमारे कई कई प्रकार के हमारे जो जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब होती हैं, कर तो दीजिए। मिलती हैं नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।